हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी शेयर करूंगी। इस रेमेडी से सर्दी, जुकाम, खांसी बहुत ही आसानी से छूमंतर हो जाता है और ये घर की ही चीज़ों से बनकर तैयार होने वाली है। सर्दी जुकाम होने पर जब बहुत ज़्यादा कफ बनने लगता है तब आप इस रेमेडी को मात्र दिन में 2 बार लीजिए। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। बच्चे और बड़े इसे बहुत ही आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा होता है। इस रेमेडी को बच्चों को किस तरह से देना है, बड़ों को किस तरह से देना है, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। चलिए तो बिना देर किए हम अपनी रेमेडी स्टार्ट कर लेते हैं। इस इफेक्टिव रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदरक कूटने वाला बर्तन और इसमें अब मैं ऐड करूंगी 10 से 12 काली मिर्च। काली मिर्च इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी जो कि कमजोर इम्यूनिटी के कारण जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए ये सर्दी, जुकाम, खांसी को ठीक करके आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं। काली मिर्च से डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है और काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, इसीलिए ये जॉइंट्स पेन से भी बहुत ज़्यादा रिलीफ देती हैं। अगली चीज़ हमें यहाँ पर लेनी है लौंग, और लौंग भी हमें इस तरह की फूल वाली लेनी है। जिस लौंग पर इस तरह का फूल ना हो आप उसे ना लें। सर्दी, जुकाम, खांसी को दूर करने के लिए लौंग भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। सर्दी, जुकाम, खांसी होने पर गले में और फेफड़ों में जो बलगम और कफ जम जाता है उसे लौंग बहुत ही आसानी से बाहर कर देती है। करीब 1 इंच का टुकड़ा हमें लेना है दालचीनी का। दालचीनी सर्दी, खांसी, जुकाम को दूर करने के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही सांस के जितने भी रोग होते हैं जैसे दमा और अस्थमा, इनके लिए भी दालचीनी बहुत ही लाभदायक होती है। अब इन सभी चीज़ों का बारीक पाउडर बनाकर लेना है। मैंने यहाँ पर जो चीज़ें ली हैं इनसे मैं 2 दिन के लिए सिरप बनाकर तैयार करूंगी। मैंने यहाँ पर जो सामग्री ली है आपको इसी रेशियो में पूरी सामग्री लेनी है। अब इन सभी चीज़ों को बारीक बारीक अच्छे से कूट कर लेना है। इस रेमेडी को बच्चे और बड़े दोनों ही ले सकते हैं, इसीलिए सभी चीज़ों का बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर ले लें ताकि बच्चों को खाने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। दालचीनी थोड़ी सी सख्त होती है, इसीलिए इन सब चीज़ों को बिल्कुल बारीक करने में आपको 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा, लेकिन आप इसके बड़े पीसेस बिल्कुल ना रखें, इसी तरह से बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर ही लें। अब ये जो हमने पाउडर बनाकर रखा है इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए अगली चीज़ हमने ली है अदरक। मैंने यहाँ पर 2 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा लिया है। रेमेडी बनाने के लिए अदरक को इस तरह से मीडियम फ्लेम पर कुछ देर तक सेक कर लेना है। अदरक में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। अदरक में आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, कैलोरी और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी को दूर करने में अदरक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। ये आपके पाचन तंत्र को अच्छा करके आपकी भूख को बढ़ाने में मदद करता है। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है वो भी इस रेमेडी को ले सकते हैं क्योंकि अदरक से बीपी कंट्रोल रहता है। अदरक ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने का भी काम करता है, इससे एसिडिटी भी दूर होती है। अदरक पर ये देखिए कुछ वाइट स्पॉट्स आ चुके हैं, तो इसी स्टेज तक अदरक को हमें सेक कर लेना है। अदरक को सेकने के बाद इसे भी क्रश करना है। कफ सिरप को बनाने के लिए 4 से 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी में कई हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और यह एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होती है। यह सर्दी और खांसी के लिए तो बहुत ही बढ़िया रामबाण औषधि है। तुलसी में विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अद्भुत काम करती है। घर में यदि तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी के फ्रेश पत्ते ही लें, यदि नहीं हैं तो इस तरह का तुलसी रस मार्केट में अवेलेबल होता है, आप इसे भी ले सकते हैं। तुलसी रस मार्केट में कई ब्रांड से मिलता है, आप किसी भी ब्रांड का तुलसी रस ले सकते हैं। अब अदरक और तुलसी के पत्तों को अच्छे ढंग से क्रश करना है। अदरक और तुलसी के पत्तों को मैंने बढ़िया ढंग से क्रश करके ले लिया है। अब इसका हमें रस निकालना है। इसके लिए हम लेंगे एक कॉटन का साफ कपड़ा और ये जो अदरक और तुलसी के पत्तों को हमने क्रश करके रखा है इसे इस कपड़े पर ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस कपड़े को एक पोटली की शेप देकर इसे हम इस तरह से घुमाकर इसका रस निकालेंगे। इस रेमेडी को बनाते समय आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और दूसरा जो आप यहाँ पर कपड़ा यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको साफ ही लेना है। ये अदरक और तुलसी का रस रेडी है और साथ ही हमारे मसाले भी रेडी हो चुके हैं। अब दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे।
अब हम इसमें ऐड करेंगे शहद। शहद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, इसीलिए ये बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आप यदि नॉर्मली भी किसी न किसी रूप में शहद का प्रयोग करते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी और आपको जल्दी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। करीब 3 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पर शहद ऐड कर लिया है। अब सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये बहुत ही बढ़िया कप सिरप बनकर तैयार हो गया है। सिरप को बनाने के लिए हमने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं ये हेल्थ के लिए पूरी तरह से सेफ होती हैं और सर्दी जुकाम खांसी होने पर गले में और चेस्ट में जो बलगम और जो कफ जमा हो जाता है वो बहुत ही जल्दी इस रेमेडी को लेने से बाहर निकल जाता है। इस रेमेडी को 5 साल से ऊपर के लोग पूरा 1 चम्मच भर के ले सकते हैं और 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को आपको इस रेमेडी को इस तरह से सिर्फ 1/2 चम्मच ही देना है। उम्र के हिसाब से सभी लोगों के लिए इस रेमेडी की अलग अलग क्वांटिटी ही रखनी है। इस रेमेडी को सुबह नाश्ता करने के बाद लें और रात को खाना खाने के बाद सोते समय लें। इस रेमेडी को लेने के बाद 1 घंटे तक आप पानी न पिएं। यदि ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस हो तो हल्का गुनगुना पानी ही लें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी बहुत ही यूज़फुल और सिंपल सी रेमेडी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ायदा मिलने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और यूज़फुल रेमेडी के साथ। गुड बाय।